थाना सुभाष नगर के शमशान घाट भूमि निकट बंसी नगला नई बस्ती में ईसाई मिशनरी द्वारा प्रार्थना एवं मंत्रांतरण का कार्य एवं प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दर्जनों सनातनी महिलाएं एवं पुरुष व बच्चे भाग ले रहे हैं और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ईसाई धर्म में आने हेतु प्रलोभन भी दिया जा रहा है। प्रार्थना सभा की सूचना हिमांशु पटेल, अरविंद पटेल, राजीव कुमार के शंखधार। सूचना सनातनी भाइयों को लगी तो उन्होंने जाकर पता किया। पूछा गया क्या हो रहा है तो इस पर मिशनरी द्वारा अमृता का व्यवहार किया गया, गाली गलौज शुरू कर दी। इसका विरोध के शंखधार ने किया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। सनातनी लोगों ने थाना सुभाष नगर से लिखित शिकायत करते हुए प्रार्थना कार्यक्रम पर रोक लगाने और बिना अनुमति के आयोजन ना करने का आग्रह किया और दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की मांग की है। दूसरी ओर हिंदू धर्म की महिलाओं ने भी थाना प्रभारी सुभाष नगर को लिखित शिकायत की है कि वह अपनी मर्जी से बिना किसी लोभ लालच के बंसी नगला एजी चर्च में आराधना करने जाती हैं, जिसमें लगभग 15 वर्षों से बाहर जा रही हैं। 20 नवंबर 2022 को दिन रविवार को 11 बजे के शंखधार हिमांशु पटेल, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी के सदस्य, गौरक्षा दल के सदस्य घुसाए और आराधना पूजा को रुकवा दिया और गुंडागर्दी करने लगे और गाली गलौज की और बाइबल भी फाड़ दी। विरोध करने पर पुलिस को बुला लिया। क्या हम सब पास्टर के साथ थाने आए तो वहां हिंदू धर्म के गुरु केदार लोगों ने सही करवाने की धमकी दी और कहा कि संविधान नहीं, अब सिर्फ हिंदू धर्म चलेगा और थाने में भी तुम अगर नहीं भागे तो तुम्हें यहां हम भगाएंगे, हिंदू ही रहेगा यहां पर, और गलत शब्दों का प्रयोग किया है। थाने में शिकायत करने वालों में नीतू देवी पत्नी विजयपाल, सुनीता पत्नी सोमपाल, महेंद्र, रामवती पत्नी राजाराम, जावित्री देवी पत्नी लालता प्रसाद, सुमन पत्नी किशोर आदि ने लिखित शिकायत की है। इतने बीमार है, हर जगह गए, हर जगह मन्नत मांगे, कहीं भी हमें सहायता ना मिली तो हम परमेश्वर में आए, हमें सहायता मिली। हम ना किसी के बुलाए में आए, ना किसी को लोभ लालच से आए और नहीं किसी हमसे कोई मांग रहा है। सही है, हमारे जो हमारे बनपत्ता है वो हम दे दे, 10-5 जो मिल जाता हम दे दे, ना होता हमारे पास हम बस प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बस ज्ञान देवी तो कोई रूप नहीं, हम अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से हमारे रहेंगे और जीवन भर अपनी मर्जी से प्रभु की महिमा करेंगे। हमें जीवन मिला परमेश्वर के साथ, हम बहुत बीमार हैं, चर्च में जाते हैं, हमें कोई लालच नहीं दिया जाता, कोई कुछ भी नहीं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से जाता हूँ। मुझे जीवन मिला, मैं वहाँ पर इसे बची हूँ, मुझे लाखों से रुपए कोई और लगा देता। मैं पंडित के संगदार है, बारे में बताइए मैं हिंदू युवा वाहिनी का सदस्य हूँ, हिंदू जागरण मंच का भी सदस्य हूँ, यानी जो भी हिंदू से संबंधित संगठन है उनका सदस्यता मैंने ग्रहण कर रखी है। और सनातन धर्म जो है उसका महंत भी हूँ मैं, अगस्त्यमुनि आश्रम का। मामला यह है कि सुबह सुबह एक फ़ोन आया हमारे पास और कहा कि आपके जो बंसी नगला आपके पड़ोस में है मोहल्ला, वहाँ पर मतांतरण हो रहा है, ईसाई लोग वहाँ सक्रिय हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, लोभ लालच दे करके उनका मतांतरण कर रहे हैं। तो 4-6 लोग हम इकट्ठे हुए, हम बातचीत की तो हमने कहा भाई देखो अकेले वहाँ जाना ठीक नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर वहाँ पहुँचेंगे अकेले हम तो वो लोग आक्रामक हुए, मारपीट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। पुलिस को सूचना दी, पुलिस वाले जब वहाँ पर आए तो पुलिस वालों को साथ, पुलिस वाले अंदर गए घर में और उन्होंने ऊपर जा कर के बाइबल, कुरान, बाइबल वगैरह जो भी उनकी किताबें होती हैं ईसाई धर्म की वो वहाँ पर पकड़ी और वहाँ से पुलिस को देख कर के नारे लगाने शुरू कर दिए कि हिंदू धर्म का नाश हो, ईसाई धर्म की जय हो, गीता को नाली में फेंक दो। पुलिस वाले उतर के नहीं आ पाए ऊपर से, तब तक 15-20 महिलाएं नीचे उतर के आईं। हम बाहर सड़क पे खड़े हुए थे, बोले हमसे एक महिला ने कहा कि भाई तुम कैसे आए हो, क्या नाम है तुम्हारा। मैंने भैया हम आए हैं, मैंने यहाँ पर क्या हो रहा है जानकारी करना चाह रहे थे। तो बोले एक महिला हमसे बात कर रही थी, पीछे से एक महिला आया, उसने बहुत ज़ोर से एक घूंसा जो है हमारे यहाँ गर्दन पर दिया, जैसे हमें चक्कर आ गया। 3 लड़के हमारे पास खड़े हुए थे, वो लड़के नाम तो नहीं पता है, उन लोगों ने मुझे उठाया और वो मुझसे कहने लगी कि भविष्य में देखते जाओ तुम लोग, तुम्हारे हिंदू ही तुम्हारे विरोध में खड़े करेंगे। हम देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।